हेलो देयर। किसी ने सच ही कहा है कि डीमन स्लेयर को एनिमेट करने वाली कंपनी यूफो टेबल के स्पेलिंग में जो यू आता है वो अनलिमिटेड बजट के लिए होता है, और ये बात यूफो टेबल ने फिर से साबित कर दिया है डीमन स्लेयर के थर्ड सीजन के फर्स्ट एपिसोड के साथ। आखिर ऐसा क्या है इस एपिसोड में, और क्या ये कुछ टाइम पहले थिएटर में रिलीज हुए वर्जन से कुछ अलग है, आइए जानते हैं। जब मेकर्स ने डीमन स्लेयर के थर्ड सीजन के रिलीज होने का अनाउंसमेंट किया था, तब ये भी बताया गया था कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इसके फर्स्ट एपिसोड की स्पेशल स्क्रीनिंग की जाएगी। इस स्क्रीनिंग को एक मूवी जैसा फील देने के लिए मेकर्स ने 2 घंटे का पहले के सीजन का रिकैप डाला था, और सीजन 3 का फर्स्ट एपिसोड लगभग 1 घंटे का रखा था। इंडिया के भी कुछ कुछ सिटीज में स्क्रीनिंग हुई थी, तो वहीं ज्यादातर लोगों के पास 9 अप्रैल तक वेट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। तो 9 अप्रैल आई और एक बार फिर से डीमन स्लेयर ने सबका दिल जीत लिया। इस सीजन की स्टोरी लाइन को नाम दिया गया है स्वॉर्डस्मिथ विलेजर, और सूत्रों के हवाले से ये खबर मिली है कि इस सीजन में टोटल 11 एपिसोड्स होंगे जो डीमन स्लेयर मांगा के चैप्टर्स 98 से 127 को कवर करेंगे। बट यहाँ सवाल ये उठता है कि इस सीजन के ठीक बाद है इस पूरे एनिमे के सबसे इम्पोर्टेंट स्टोरी लाइन, जो कि है इन्फिनिटी कैसल आर्क, और इन्फिनिटी कैसल आर्क से ठीक पहले है हाशिरा ट्रेनिंग आर्क, जो कि लगभग 8 चैप्टर्स की है। पर मेकर्स ने ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है जिससे ये कन्फर्म हो सके कि सीजन 3 में हाशिरा ट्रेनिंग आर्क को इंक्लूड किया जाएगा। तो क्या इस स्टोरी लाइन को सीजन 4 के साथ दिखाया जाएगा, या फिर इसके लिए भी कुछ स्पेशल एपिसोड्स देखने को मिलेंगे जैसे कि किमित्सु नो एकेडमी या वैलेंटाइन्स वीक स्पेशल। बात करें फर्स्ट एपिसोड की, तो इसका सबसे बड़ा हाईलाइट था सारे अपर मून्स की मीटिंग, जो कि लगभग 113 साल बाद मिल रहे हैं, जिसका ये मतलब है कि 113 साल बाद डीमन स्लेयर्स ने किसी अपर मून को मारा है, और किबुत्सुजी मुजान के गुस्से का लेवल एकदम बॉइलिंग पॉइंट पर आ चुका है। इसी मीटिंग के दौरान हमें दिखता है अपर मून 5 ग्योको और अपर मून 4 हांतेंगू, जो कि इस सीजन में स्वॉर्डस्मिथ विलेज में जाके मिस्ट हाशिरा मुइचिरो और लव हाशिरा मित्सुरी से फाइट करेंगे। साथ ही साथ अपर मून 2 डोमा भी इस एपिसोड का मेन हाईलाइट था, जहां पिछले सीजन में जब उसने ग्यूतारो और डाकी को डीमन बनाया था तब वो अपर मून 6 था। तब से लेकर अब तक उसका प्रमोशन हो चुका है और वो अपर मून 2 के पोजीशन पर चला गया है। और शायद इस एपिसोड का सबसे बड़ा रिवील था अपर मून 1 कोकुशिबो, और उसे देखते ही पता चल गया कि वो अपर मून 1 क्यों है। भाई साहब की 6-6 आंखें हैं, और ऊपर से वो एक कटाना भी लेकर घूमता है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि पहले वो एक डीमन स्लेयर था, और अगर वो एक डीमन स्लेयर था तो उसे ब्रीदिंग टेक्निक्स तो जरूर आती होंगी। तो जब कोई डीमन ही किसी ब्रीदिंग टेक्निक को यूज करने लग जाए तो समझ जाना चाहिए उसका लेवल क्या होगा। साथ ही साथ हमें तांजिरो के ड्रीम में योरीची का फर्स्ट ऑफिशियल लुक मिला, जो कि काफी डिप्रेस दिख रहा था। गेनिया भी इस सीजन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होने वाला है, भले ही शुरुआत में उसकी किसी के साथ बन नहीं रही। इस एपिसोड में हर एक सीन का एनिमेशन लेवल बहुत ही अच्छा था, और पिछले सीजन के बाद यूफो टेबल ने सबको प्रॉमिस किया था कि वो अपना एनिमेशन लेवल और भी अच्छा करने वाले हैं, और उस प्रॉमिस को फर्स्ट एपिसोड में पूरा कर दिया गया। तो ये थी बात डीमन स्लेयर के थर्ड सीजन के फर्स्ट एपिसोड के बारे में। अब बस हर संडे का वेट करना होगा, और ये देखना होगा कि आखिर ये सीजन एंड कहाँ होता है, स्वॉर्डस्मिथ विलेज आर्क पर या हाशिरा ट्रेनिंग आर्क पर। आपके इस एपिसोड को लेकर जो थॉट्स हैं, उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करो, और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।